हे गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम करने वाले हैं डायनामाइट के साथ एफ गियर का कॉम्बिनेशन, और देखते हैं भाई कितना स्ट्रॉन्ग निकलेगा एफ गियर डायनामाइट के साथ। जो कि डायनामाइट ये है मेरे पास स्पेशल एडिशन वाला, ठीक है। इसको ना अभी एफ गियर जो है वो निकालना है मेरे को। एफ गियर निकलेगा कैसे, मैंने डाल तो दिया था इसको। रुको गाइस, एफ गियर निकालते हैं। ये ओके, ये है इसका एफ गियर गाइस, ठीक है। ये फैफनियर का गियर है जो कि रबड़ के साथ आता है। देखो ये रबड़ है पूरा, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे रबड़ है और ये डायनामाइट के साथ ही आता है, डायनामाइट के ही लगता है। देखो डायनामाइट के जगह भी दे रखी है, ये चार ऐसे अटकाने के, वो ही चार इसके ऊपर हैं यहाँ पे। और ये कुछ ऐसे अटक जाते हैं गाइस, ये ऐसे फिट हो जाता है और ये लेयर बन जाती है पूरी, ठीक है। तो आज हम टेस्ट करेंगे इसको बिना लेयर के और लेयर के साथ, ठीक है। पांच वेब्रेड से फाइट करेंगे इसकी, इन पांचों से। और पहले बिना गियर के साथ फाइट करेंगे, बाद में गियर के साथ फाइट करेंगे, और देखते हैं कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई बैटल को। पहले तो इसको लो मोड में ही करेंगे, हाई मोड नहीं करते, हाई मोड नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो इसको कर देते हैं स्टार्ट। ये बन गया हमारा डायनामाइट बेलियल नॉर्मल वर्जन। उसके बाद करेंगे एफ गियर वर्जन, फिर देखना भाई क्या धमाल होता है, मजा आ जाएगा। और हाँ गाइस, हमारे टॉयज वाले चैनल पे इस गाड़ी की अनबॉक्सिंग आ चुकी है, मिराना की तरफ से आती है गाड़ी, मेड इन इंडिया है और काफी मस्त है भाई। 1200 mAh बैटरी के साथ डबल एक्स बूस्ट है, मतलब डेढ़ गुना बूस्ट है, डबल से कम। और USB चार्जिंग है, वो सी टाइप चार्जिंग है गाइस इसकी। और अट्रैक्टिव स्टिकर्स इनसाइड है भाई। इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ही डेंजरस है। तो गाइस टॉयज वाले चैनल पे इसकी वीडियो आ गई है, तो ठीक है गाइस करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो आज की बैटल के लिए स्टेडियम हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेडियम है ये। वैसे नॉर्मल सा लगता है लेकिन काफ़ी मस्त काम कर देता है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेव वेलक्री से। ब्रेव वेलक्री की फाइट करेंगे डायनामाइट पेलियल से, और देखते हैं क्या होता है। ओके, टकारा टोमी में बेल फायर होता है, इसमें बेलियल है, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके, ब्रेव वेलक्री थोड़ा सा ज़्यादा ही अटैक टाइप हो रहा है। डायनामाइट बेलियल अपना आराम से मस्त कर रहा है भाई, को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको। मेरे को लगता है वो आराम से जीत जाएगा सबसे ये। ओके, ब्रेव वेलक्री से जीत चुका है, नेक्स्ट बैटल कर लेते हैं वर्ल्ड स्प्रिगन से। वर्ल्ड स्प्रिगन से देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है डायनामाइट बेलियल। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके, मोन कम ऑन। ये स्टेडियम अच्छा है गाइस, इसमें थोड़ा सा ना स्पेस ज़्यादा मिल जाता है बेबलेट्स को यहाँ वहाँ भटकने के लिए, और शायद बेलियल हार जाए वर्ल्ड स्प्रिगन से। नहीं हारेगा वर्ल्ड स्प्रिगन की कमजोरी है गाइस, ये कमजोरी है इसकी, ये नीचे टच होते ही बंद हो जाता है भाई ये, ठीक है। तो दोनों बेबलेट हारते हैं अभी तक, और दोनों को मैं साथ में ही लॉन्च कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा वो वाला नहीं है। मैंने अल्टीमेट वेलक्री लिया है, लेकिन उसमें अल्टीमेट वेलक्री हैशब्रो वाले का ड्राइवर लगा दिया, देखते हैं क्या कर पाता है ये, क्योंकि हमारा अल्टीमेट वेलक्री कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था, इसलिए मैंने ये वाला लगाया। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये भी डेंजरस ही है भाई। ओके, अल्टीमेट वेलक्री आराम से जीत गया, सिर्फ एक टक्कर मारनी पड़ी और बाहर का रास्ता देखते हुए डायनामाइट बेलियल। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं ग्रेटेस्ट रफाइल से, देखते हैं भाई ग्रेटेस्ट रफाइल जीत जाएगा शायद तो। ओके, डायनामाइट बेलियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेलब्लेड बनाया गया है, बनाना भी चाहिए क्योंकि मेन कैरेक्टर है भाई वो, तो स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही। ओके, जो हमारा ग्रेटेस्ट रफाइल है अपना गिमिक दिखाते हुए और स्टेमिना मोड पे जाते हुए इस टाइप से एक्स्ट्रा स्टेमिना, लेकिन डायनामाइट बेलियल ने मौका ही नहीं दिया भाई स्टेमिना रिकवर करने का, कुछ भी करने का। भाई साहब बहुत ज़्यादा पावर है डायनामाइट बेलियल में, एक एक टक्कर में हिला देता है सबको। तो ग्रेटेस्ट रफाइल भी हारता है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बैटल थी ये, बट कोई बात नहीं, मेरे को लगा ग्रेटेस्ट रफाइल आराम से जीत जाएगा, लेकिन डायनामाइट बेलियल डेंजरस है गाइस। ओके, ठीक है, करेंगे वैनिश फैफनियर से अभी। ओह नाइस, वैनिश फैफनियर तो स्पिन स्टीलिंग करके वापस रिचार्ज हो जाता है यार, तो इनका ड्रॉ हो सकता है बस, बाकियों का नहीं लगता था मेरे को, लेकिन इन दोनों का मेरे को लगता है कि ड्रॉ हो जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ही जीत पाया है इससे, अल्टीमेट वेल चेक। ओके, कम ऑन डायनामाइट, नाइस। और शायद वैनिश फैफनियर भी हार जाए,
कुछ कह नहीं सकते, बट अभी तक लग रहा है अगर लास्ट में कुछ नहीं किया तो इसने वैनिश फैफनियर ने। ओके जीत गया, तो ठीक है गाइस, वैनिश फैफनियर जीतता है और एक अल्टीमेट फेल्ट्रियक जीतता है, ये दो जीतते हैं और ये तीन हारते हैं, कमाल कर दिया गाइस। अब करते हैं एफ गियर के साथ दोबारा से, एफ गियर के साथ करते हैं दोबारा से इन पांचों की ही, और इस बार देखते हैं क्या रहेगा इनका। ओके गाइस, जो ये डायनामाइट बेलियल है इसका लिंक मैं प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट वाले उस पे सेक्शन पे दे दूंगा, तो यहाँ पे एक शॉपिंग बैग का आइकन होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हो और बाय कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, हाँ मतलब काफ़ी ईजिली मिल जाता है डायनामाइट बेलियल, वैसे ईजिली तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा डायनामाइट बेलियल हैशब्रो वाला डाल दूँ, वो वाला तो मिल जाएगा आराम से। ठीक है ओके, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो चलो अभी ये एफ गियर के साथ स्टार्ट हो चुका है, एफ गियर लगा दिया है मैंने, अब बिल्कुल एक टाइप से यार बिल्कुल ही भर चुका है, बिल्कुल राउंड राउंड सा हो गया अब तो, मेरे को लगता है पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है भाई, अभी ग्रेटेस्ट रफाइल से कर लेते हैं स्टार्टिंग में, 3-2-1 हो जाए। ओह नाइस, लेट्स सी क्या होता है भाई, ग्रेटेस्ट रफाइल, काफ़ी उम्मीदें हैं ग्रेटेस्ट रफाइल से, बट डायनामाइट बेलियल के सामने कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन अभी पता चल जाएगा जीतेगा या हारेगा, पिछली बार हार गया था, इस बार भी लगता है हार जाएगा क्योंकि डायनामाइट बेलियल काफ़ी तेज मार रहा है भाई इसको, और ये सेकेंड बैटल भी जीतता है डायनामाइट बेलियल एफ गियर के साथ भी ग्रेटेस्ट रफाइल से, बारी है वर्ल्ड स्प्रेगन से, इससे कर लेते हैं भाई। तो एफ गियर भी वैसा ही काम कर रहा है जैसे नॉर्मल डायनामाइट करता है, 3-2-1 हो जाए शुरू, बस थोड़ा सा वेट बढ़ा देता है और बाकी रिजल्ट इन दो में पता चलेगा क्योंकि ये दोनों जीते थे, अगर इनमें से एक से भी जीत गया तो थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा होगा तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा दम है इसके अंदर एफ गियर के अंदर, और वर्ल्ड स्प्रेगन के भी तोते उड़ा दिए गए हैं बहुत ही आराम से भाई, अभी तक रिजल्ट बिल्कुल सेम निकल रहे हैं। ब्रेव वेलग्री की बारी है, ब्रेव वेलग्री थोड़ा सा तड़क भड़क में रहता है यार, उसको थोड़ा सा शांति पसंद नहीं है, 3-2-1 हो जाए शुरू। स्टार्टिंग में ही ब्रेव वेलग्री ने काफी तेज टक्करें मारी और उसके बाद ठंडा पड़ गया है ब्रेव वेलग्री, चक्कर काट रहा है ब्रेव वेलग्री, और डायनामाइट बेलियल अपना आराम से बीच में बैठा है भाई, कोई घंटा फर्क नहीं है दुनियादारी थी उसको। ठीक है, ब्रेव वेलग्री भी वही सेम रिजल्ट्स गाइस, अब बारी है जो जीते थे उनसे करने की और देखना कि क्या उनसे कुछ बेटर कर पाएगा डायनामाइट बेलियल एफ गियर के साथ, देखना होगा इसी वीडियो में, तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3-2-1 हो जाए शुरू। मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा अलग होगा क्योंकि वैनिश फैफनियर भाई स्पिन स्टीलिंग करेगा सबसे ज़्यादा, तो वो ये स्टेडियम अच्छा है यार, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता यार, बेलियल की फाइट भी अच्छे से हो जाती है। और हाँ गाइस, मैं कल हेमलेस गया था तो वहाँ पे 300 रुपये ऑफ मिल रहा है इन सब पे ही, तो जाके भाई बाय कर सकते हो, अमेजोन पे भी 10% ऑफ मिल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा ऑफ मिल रहा है वहाँ पे हेमलेस में, 300 रुपये का सीधा, मतलब 1500 रुपये की चीज़ 1200 रुपये में। तो गाइस ये ड्रॉ हो गया है, पहले जीता था ये, अभी ड्रॉ हो गया है, तो इफेक्ट तो पड़ता है गाइस, फिर से कर लेते हैं एक बैटल और, अरे इसमें तो नहीं होगा, मतलब हाँ इफेक्ट पड़ता है भाई एफ गियर का, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता है। एक बार और कर लेते हैं डिसाइडिंग बैटल कर लेते हैं भाई, फिर हमें अल्टीमेट वेलग्री से करनी है लास्ट बैटल, और वो वाली मस्त रहेगी। कम ऑन, थोड़ी सी स्लो बैटल रहती है इनकी बट कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्या रहता है इनका। कम ऑन डायनामाइट बेलियल, एफ गियर के साथ फैफनियर से ही लड़ रहा है भाई ये, फैफनियर के गियर के साथ और ओके फैफनियर थोड़ा सा जीत गया भाई, लेकिन पहले की तरह इतना नहीं है कि बिल्कुल क्लियर विनर हो, थोड़ा सा जीत गया लेकिन जीता है, हाँ ये जीता है भाई फैफनियर। बारी है अल्टीमेट वेल्ट्रियक की, अल्टीमेट को देख लेते हैं भाई अभी क्या कर पाता है अल्टीमेट। ठीक है गाइस, तो देखते हैं अल्टीमेट वेल्क्री क्या करता है, 3-2-1 हो जाए। ओहो ओहो,
अरे 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 अल्टीमेट वैल्करी ऊपर ही रह गया भाई। नाइस नाइस भाई, फेंक तो रहा है अल्टीमेट वैल्करी इस बार भी, लेकिन अच्छी जगह फेंक नहीं पाया। शिट, ओके अल्टीमेट वैल्करी से जीत गया। एक बार और कर लेते हैं, विनर है तो एक बार और कर ही लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ओके इन 3-2-1 हो जाए। मोन भाई ये दोनों बेबलेट मस्त है यार, अल्टीमेट वैल्करी भी और ये भी, और अल्टीमेट वैल्करी हैशब्रो ड्राइवर लगा दिया तो काफ़ी स्टेबल और अच्छा हो गया ये भी। अरे भाई नहीं, डायनामाइट बेली के सामने नहीं टिक सकता यार। ठीक है, पहली बार भी तुक्का बैठ गया था मेरे ख्याल से, नहीं तो उसमें भी नहीं जीत पाता ये। तो ठीक है गाइस, ये था एफ गियर, थोड़ा तो फर्क पड़ता है, इतना ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत पड़ता है गाइस। तो ठीक है गाइस, अभी इसका वेट देख लेते हैं लास्ट, और उसके बाद वीडियो को आप पैकअप करते हैं हम। एफ गियर का वेट देख लेते हैं। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, छोड़ो। एफ गियर का वेट है 5.57। ये एफ गियर का वेट है और ये नॉर्मल डायनामाइट है। नॉर्मल डायनामाइट का वेट देख लेते हैं, उसमें उसका प्लस कर देंगे बस। ठीक है गाइस, अभी इसमें ये देखते हैं 63.9 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम इसका प्लस कर देते हैं और वो 64 है, यानी कि कितना हो गया, ओके 69 के आसपास हो गया उन दोनों का वेट मिला के। और अल्टीमेट वेल्ट्रिया का कितना है, 68, लगभग सेम वेट है इन दोनों का, बढ़िया। ठीक है गाइस, अभी रखते हैं इसको और अब करते हैं बिना एफ गियर, क्योंकि पहली बैटल अच्छे से नहीं हुई थी, तो इन दोनों की अभी दोबारा से करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या डायनामाइट बेलियल जीत पाएगा। 3-2-1 हो जाए, 3-2-1 हो जाए, शुरू। या फिर इस बार अल्टीमेट वैल्करी इसको फेंक के मारेगा। ओ मारी तो भाई पहली टक्कर बहुत तेज, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, नहीं कर पाया है, नहीं कर पाया है। ना डायनामाइट बेलियल बेटर है गाइस, तो जिससे ये हारा है वो फैफनियर ही है, फैफनियर से हारा बस ये, और दोनों से ही, दोनों में मोड में ही हारा भाई, तो कुछ नहीं कर सकते यार, फैफनियर ही बेटर है इससे बस। ओके तो ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो बताओ कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक एवं रखते हैं 3000 लाइक्स का, करवा दो यार 3000 लाइक्स। तो बाय बाय गाइस, टाटा।